जब इस देश में 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, चंद 11 महीने देश में हमारी सरकार थी, शरद जी ने हमको हमारे देश के लिए कई बार राजनीतिक कुर्बानियां उनको देनी पड़ी है। आपको सबको मालूम है, कभी शास्त्री जी ने रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो रिजाइन करा, इसका बहुत मिसाल देते हैं लोग, लेकिन हमारे शरद भाई ने गलती से उनका हवाला में नाम आया तो ये पहले नेता थे कि इन्होंने रिजाइन किया है। इसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि देश में जब मंडल का माहौल था तो मंडल आयोग देश में लड़ाने के लिए हमारे शरद भाई का योगदान सबसे बड़ा है, नहीं वो मंडल मसीहा के नाम से देश में जाने जाते हैं। हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तैल चित्र सेंट्रल हॉल में लगाया, उसके पीछे जो प्रेरणा थी वो शरद भाई की प्रेरणा थी, इससे भी मैं आपको वाकिफ करना चाहती हूँ। भारत रत्न अनेकों को दिए गए, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि शरद भाई ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध किया है। इतना ही नहीं, नवभक्तों को संधि दी है, किसानों को मैं वीएम सिंह साहब को याद दिलाना चाहती हूँ, हम एक साल से किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, कर्जा माफी के लिए लड़ रहे हैं, लागत मूल्य के लिए लड़ रहे हैं। वीएम सिंह जी को याद होगा कि साथियों, जब शरद जी लोकसभा में थे, मंत्री थे, तो इन्होंने किसानों को 10,000 का ऋण माफ सरसगट किया था, ये भी इनकी उपलब्धि, हमें याद में रखना चाहिए। और इसीलिए एक अच्छा विकल्प आज भारतीय जनता पार्टी देश में जो नंगा नाच कर रही है, इसके खिलाफ हमको रणसिंह फूंकना होगा, संघर्ष जारी रखना होगा। इस संघर्ष में शरद भाई है, वो चाहते थे तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको ठुकराया और शरद भाई आपके सामने संघर्ष कर रहे हैं। संसद में संघर्ष करते थे तो उनको संघर्ष से बाहर निकाला गया, इसीलिए ऐसे नेता के नेतृत्व में लोकतांत्रिक जनता दल कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आसाम से कामरूप कच्छ तक हम फैलाएंगे, आपके जरिए फैलाएंगे। हम आपको विचार विश्वास देना चाहते हैं शरद जी कि ये पार्टी हम आपकी राह पे चलाएंगे, आपके मार्गदर्शन में हम ये पार्टी चलाएंगे, इतना आपको